चलो नहीं नहीं वो तो चल रहा है अभी, चलो आप फिर ANI को बोलेंगे आपके साथ शेयर करेगा वो फुटेज। इनको जैकेट ऑफर करो, जैकेट ऑफर करो इनको। इनको लाना है वो मसला है, कोई जंप लगेगा कोई जोकर जो भी जैसे भी जैकेट्स देने चाहिए है ना, आईडी जैकेट्स बहुत जरूरी है क्योंकि इनको जैकेट बेच के डीएसपी साहब पहले देना चाहिए था ना, ये सिविलियन है बच्चे हैं कोई गिर सकता है इसमें। अच्छा वो पार्ट है वो दिया मैंने, आप भी थोड़ा सा ये देखो कहाँ कहाँ आपको लगता है ना ये लैप्स लैप्स और इम्प्रूवमेंट। ठीक है आप देखिए एट दैट मोटर बोट आ गया आपके, दैट इज व्हाई मॉक ड्रिल का तो ये ड्रिल लेते हैं, आप भी इनपुट फिर दोगे ना सर। अभी जो ये केबल में झारखंड में हुआ था ना अभी एक हादसा, हां अभी अभी रिसेंटली आपने वो वाला वीडियो देखा जब वो एयरफोर्स वाला उसको हेप्टर से रेस्क्यू कर रहा था और वो सीधे गिर गया नीचे, डेथ हो गई। स्पीड क्या है इसकी इंटरप्रेट बोट की? इन्फ्लेटेबल बोट्स के देखिए सर, इसमें बेसिकली वो ये क्या बोलते हैं ओवरबोर्ड OBM का जो मोटर है उस पर डिपेंड होता है। दिस इज 75 वो थोड़ा इससे कम है, मैक्सिमम कितना है लाल साहब? ठीक है और सलूट मारो पैडल से, देखो पैडल सलूट चार। इसमें रश हो जाएगा, आप देखेंगे कि हर कोई जो है वो इसमें रश हो जाएगा, बहुत कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है सर, कंट्रोल करने की भी बड़ी जरूरत है, बराबर है ना, भीड़ इतनी हो जाती है मतलब इसके अंदर खुद ना मैं ये कंट्रोल कैसे हो जाएगा उस वक्त, तो जान की पड़ी होगी सबको, सब जाना चाहते हैं ये होगा वो पॉइंट हमें देखना है। इट इज इजी टू राइट नो बट योर हाइंडसाइट में देखना है, हुआ है वो ऐसे ही हुआ, लोगों ने छलांग मारी बंगाल में गया था हमारे ये लेफ्ट राइट से ही होगा क्योंकि वहाँ लेंथ ज़्यादा है, वो टर्न नहीं होगा या तो बहुत ज़्यादा करंट में। हाँ मान लीजिए कोई तेज़ हवा चल रही है शिकारे उलट जाते हैं ना, देखिए स्पेशली जब ये इम्बैलेंस होगा वेट इज़ ऑन वन साइड। निकालना Now they have to take the rope support आएगा इसके ऊपर से बोट के ऊपर से। ये सारे SDRF के लड़के नहीं ये वाला क्या है ये जो ये भी SP सर ये सारे SP है जल के वो जो अभी लाइफ जैकेट लगा रहा है किधर है एक्सपर्ट है इसी में पले हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड हो रहा है सर पीछे भाग गया जल्दी जल्दी इतना टैलेंट है यार लोकल सर जो पानी में रहते हैं भाई बात ही यही है सर एंकरेज कोई नहीं फार्मेसी नहीं हो रहा है इनको लाना साहब के पास थोड़ा इधर ये वाला पार्टी जो था मॉक ड्रिल हम कर रहे हैं
ये लास्ट वीक एक मीटिंग हुई जिस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, तो उसमें जो काफ़ी बाकी डिपार्टमेंट्स भी थे, तो जिसका मेन जो एजेंडा था ये था जो फ्लड प्रिपेयर्डनेस उसके बारे में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2014 का जो डिज़ास्टर था उससे कितना डैमेज हो गया, उसमें कितना हमें मुश्किल हो गई। तो आजकल ये एक उसी की जो कड़ी थी उसी में हमें स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो है कश्मीर में जो एक बटालियन है और हमारे साथ जो एक टुकड़ी है NDRF की, इनको ये इंस्ट्रक्शन मिले थे कि ये डल में एक ऐसी मॉनिटर करें और जो भी यहाँ वैली में बाकी जगह हमारे यूनिट से चाहे मानसबल हो चाहे झेलम में कहीं कहीं हो तो वहाँ भी एक इस के रिलेटेड मॉक ड्रिल की जाए। तो आज उसी कड़ी में हमने यहाँ एक अपने यूनिट की तरफ से इन कोऑर्डिनेशन में जो हमारे साथ थे और NDRF की टुकड़ी थी, फिर हमारे आमिर अली साहब का तआवुन रहा इसमें जो हेड कर रहे हैं इमरजेंसी रिस्पांस इसका सेंटर का, उनका तआवुन रहा। तो आज जो हमने किया हमारे जो ये इस मॉक ड्रिल में जो शमूलियत हुई जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उसमें थे हमारे अपने लड़के और हमारे जो यहाँ डल के जो इनहेबिटेंट्स हैं यहाँ से हमने ऑलरेडी कुछ एंगेज किए हैं, तो उनका उसमें कलीदी रोल रहा जिन्होंने जो भी है चाहे ड्राउनिंग का ये हो चाहे लोग कहीं फंसे हों सैलाब में या कहीं नाव उलट जाती है तो उसके बारे में जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में एक बड़ी जाफिशानी के साथ और बड़ी एक्सपर्ट जिसको कहते हैं उस व्यू से एक ड्रिल की, और मुझे लगता है इसका काफ़ी हमें फ़ायदा मिलेगा और हम ये एक प्रोसेस कंटिन्यू भी रखेंगे ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा कुछ हुआ तो उस टाइम पर हमें मुश्किल आती हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है दोज हु ब्लीड इन द पीस टाइम्स डू नॉट ब्लीड इन वॉर टाइम्स। तो आज हमारे साथ और हमारे लकीली हमारे जो उत्तराखंड के जो वहाँ डिज़ास्टर अथॉरिटी है, आप सब जानते हैं उत्तराखंड में कितना डिज़ास्टर होता है लैंडफॉल्स वगैरह, तो वहाँ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ थे, उससे एक इनक्रेजमेंट ही मिल गई हमारी टीम को। दूसरा हमारा एक एडिशनल इसमें हुआ हमारी एक ड्रैगन हमारी टीम है नाव जो है जिनके आमिर अली साहब हैं और हमारे जुमर अहमद हैं उनके कोच की, तो वो भी हमारे साथ रहे और उन्होंने रिसेंटली एक अवार्ड भी लिया नेशनल।